सो गाइज, एक वीडियो पे व्यूज लाने के लिए आपका कंटेंट जितना जरूरी है उतनी ही आपकी वीडियो में एडिटिंग जरूरी है। आपकी वीडियो में जितनी अच्छी एडिटिंग आपकी होगी उतने ही ज्यादा एंगेजिंग आपकी वीडियो बनेगी, और जितनी ज्यादा एंगेजिंग आपकी वीडियो होगी आपकी वीडियो पे व्यूज और सब्सक्राइबर उतने ही ज्यादा आएंगे। तो उसके लिए मैं किस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए, और अगर आप एक बिगिनर से प्रो पे जाना चाहते हैं एडिटिंग में तो आपको किस एप्लीकेशन का यूज करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जिस एप्लीकेशन का मैं यूज करता हूँ अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए, उस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। और इसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशन को भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें इनशॉट, वीटा एप्लीकेशन एंड पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन आती है। लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा उस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर, क्योंकि इसमें आप 4K रेजोल्यूशन में भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में आपको फीचर काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं जिनसे आप अपनी वीडियो को काफी अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे। तो वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस, यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन आपको मिलेगा, तो उसपे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे रेशियो मिलेंगे, जिसमें 16:9 का रेशियो, 9:16 का रेशियो, आप इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब के लिए बनाना चाह रहे हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए एडिट करना चाह रहे हैं तो 16:9 का रेशियो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, तो वहां पर आपके सामने टाइमलाइन का जो भी मीडिया का ऑप्शन आ रहा है उस मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी मेन वीडियो है उसको आप टाइमलाइन पे सिलेक्ट करके लेके आ जाएंगे। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, मीडिया, लेयर, रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है अपनी वीडियो में तो टेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपको उस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर उसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कलर चेंज कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आप अपने टेक्स्ट में एनिमेशन दें, लाइक जैसे मैं अपनी वीडियो में देता हूँ, तो यहाँ से आप टेक्स्ट में एनिमेशन भी दे सकते हैं, और कितनी टाइमिंग तक उसको आपको टेक्स्ट को रखना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या स्प्लिट के ऑप्शन पर जाके आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली अगर आपको चाहिए, जैसे मैं अपनी वीडियो में साइड में मेरी वीडियो ट्यूटोरियल वाली चलती है, अगर आपको ऐसी वीडियो बनानी है तो सिंपली लेयर के ऑप्शन पर जाके आपका जो भी वीडियो है उसको आप सिलेक्ट करके क्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ से क्रॉप करने के बाद में उसको आप जहाँ पर भी एडजस्ट करके रखना चाहते हैं वहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि उसमें आप एनिमेशन दें तो एनिमेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद में सिंपली अगर आपको अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक देना है तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हैं, और जिस भी फोल्डर में आपका म्यूजिक है वहाँ से जाके प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको अपनी टाइमलाइन पर लेकर आ सकते हैं। अब उसका जो म्यूजिक है उसका साउंड आपको डाउन रखना है, क्योंकि आपकी जो मेन वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है, जैसे अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे होंगे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा आ रहा है। और उसको आपको अगर स्प्लिट करना है या कितना एडजस्ट करना, वहां से जाके ट्रिम पे जाके आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर आपको क्रोमा की का ऑप्शन सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तो सिंपली क्रोमा की पे जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए मैं इस पे पूरी वीडियो बनाऊं क्रोमा की पे तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। अब अगर आपको अपनी वीडियो में वॉइस ओवर देना है, या आपकी मोटिवेशनल वीडियो है, या आपके कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते लेकिन आप अपनी वॉइस को वहां पे देना चाहते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, तो सिंपली रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके वहां से आप अपनी वीडियो में वॉइस ओवर भी दे सकते हैं, जो भी आपकी वॉइस आप रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि आपकी वीडियो में और ज्यादा फिल्टर, इफेक्ट, स्टिकर आप जाएं, तो वहां से आप दोबारा उस ऑप्शन पे क्लिक करके, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पर आपको लेयर और इफेक्ट स्टिकर का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप गेट मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वहां पर आपको म्यूजिक, इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट ये आपके सामने आ जाएंगे, तो उनको आप एक बार देख देख कर अपने अकॉर्डिंगली उनको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए कि वीडियो को जो भी आपने एडिट करी है उसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो सिंपली आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको उसका रेजोल्यूशन रखना है फुल HD 1080p पे, और उसका जो फ्रेम रेट है वो आप 30 पे रख सकते हैं,
और जो उसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल आप हाई पे लेके जाइए, हाई पे क्वालिटी रखिए, और उसके बाद में उस वीडियो को आप सिंपली एक्सपोर्ट कर दीजिए। जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट और रेंडर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक गाइस एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में आप प्रो की तरह अपनी वीडियो को एडिट करें, आपकी वीडियो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा एडिटिंग पर। मुझे भी टाइम लगा था सीखने में, तो और दो चार वीडियो देखिए जिसमें आपको और अच्छे समझ आए कैसे आपको इफेक्ट यूज करना है, कैसे फिल्टर यूज करना है। और अगर आपको चाहिए मैं इसके ऊपर और एक और डिटेल्स से पूरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जाके मुझे जरूर बताइएगा। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, वहां से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड और भी सारी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे पॉपअप आ रहा होगा, जहां से आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।